हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। मैं हूँ रवि बुटोला और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लाइट ईयर हुज यूनिट इज़, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है दूरी यानी डिस्टेंस। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है। कमेंट में लिख के बताइए कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। अगला क्वेश्चन है, द बस हैज़ द फेल्ट मिरर नियर द ड्राइवर, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है उत्तल दर्पण। तो बस में जो ड्राइवर के पास लगा होता है, जो दर्पण होता है, वो होता है उत्तल दर्पण, और इसकी मदद से जो ड्राइवर होता है वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को आसानी से देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, रात में तारे क्यों चमकते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण रात को जो तारे होते हैं वो आसमान में हमको चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम है, मायोपिया इज़ अदर नेम ऑफ। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। जो मायोपिया है उसका दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह है, जब हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार हमारी आँख में जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता का मात्रक है। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है ओम मीटर। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन ए ह्यूमन आइज, मानव नेत्र में होता है। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है उत्तल लेंस। जो मानव नेत्र होता है उसमें एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, और अगर हम मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, और जो अधिकतम दूरी होती है मानव नेत्र की वो होती है अनंत। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड इज मेजर्ड इन, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है कैलोरी से। कैलोरी से हम भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापते हैं, और अगर हम बात करें सेल्सियस और केल्विन की तो ये दोनों, इनसे हम तापमान को मापते हैं। कमेंट में लिखे बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है कवक। कवक का प्रयोग होता है डबल रोटी को बनाने में। अगर हम कवक की बात करें तो सामान्य भाषा में उसे कहा जाता है यीस्ट, और अगर हम उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो इसके द्वारा बनाया जाता है, डबल रोटी बनाई जाती है। और अगर हम दूसरे अर्थों में प्रयोग करें यीस्ट का, तो इसके द्वारा जो एल्कोहल होता है, शराब होती है, उसका निर्माण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंथेसिस इज प्रोटीन टेक्स प्लेस, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कमेंट में लिख के बताइए कि कोशिका के आत्मदाह की थैली किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन्स वाटर, मनुष्य के शरीर में जल होता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है 65%। 65% मनुष्य के शरीर में जल होता है। अगला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है यकृत, जिसे कि लीवर भी कहते हैं, वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। कमेंट में लिख के बताइए कि मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फाउंड एलिमेंट इन द बॉडी इज, शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है कार्बन। कार्बन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है,
अगर हम इसको जाने कि कैसे किस माध्यम से हम जान पाएँ कि कार्बन की अधिकता शरीर में ज़्यादा होती है, तो जब हीट ट्रीटमेंट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का, तो हमें काला प्रतीत होता है। तो काला रंग कार्बन के ही कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम प्रेजेंट इन सेलिवा, लार में उपस्थित एंजाइम है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है टॉयलिन। टॉयलिन लार में उपस्थित एंजाइम है और इसकी उपस्थिति के कारण आसानी से भोजन को पचाया जा सकता है, क्योंकि भोजन में अलग अलग पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग एंजाइम उसमें उन्हें पचाने में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंगवॉर्म डिसीज कॉज्ड इन मैन, मनुष्य में दाद रोग होता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है कवक। कवक के कारण होता है मनुष्य में दाद रोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ ब्लड कैन ए ह्यूमन डोनेट, सामान्य मानव अपने कितने रक्त का दान कर सकता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है 10%। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो अपने शरीर के कुल रक्त का 10% दान कर सकता है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत की जनसंख्या है 1 अरब 25 करोड़, लेकिन मात्र 60 से 70 लाख लोग ही भारत में रक्तदान करते हैं, और उसमें अगर महिलाओं का प्रतिशत देखें तो मात्र 10% है। और अगर हम अन्य देशों की बात करें, दक्षिण पूर्व देशों की बात करें, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो यहाँ लगभग 75% से ऊपर जो जनसंख्या प्रतिशत है वो रक्तदान करता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ ब्लड प्रेशर, सामान्य मनुष्य में रक्तदाब होता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है 120/80 Hg। तो ये सामान्य मनुष्य में रक्तदाब का वो होता है अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 Hg। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रिगार्ड्स, हाइड्रोफोबिया का संबंध है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है कुत्ते से। कुत्ते से इसका संबंध है, अगर सामान्य भाषा में से कहें तो यह है रेबीज। जब कुत्ता किसी मनुष्य को काटता है तो रेबीज वायरस के कारण मनुष्य के शरीर में हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। ये एक क्रिया है और रेबीज वायरस के कारण ये होता है, जो कि कुत्ते के द्वारा मानव शरीर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ मसल इन द बॉडी, शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है 639, 639। 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। कमेंट में लिख के बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड, यूरिया की मात्रा पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है मूत्र में पाई जाती है यूरिया की मात्रा। अगर यूरिया की बात करें साइंटिफिक फॉर्मूले की, तो वो है NH2CO NH2, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो टूट जाता है नाइट्रोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन ब्रेन हैज़ लोड्स, मानव मस्तिष्क का भार होता है। चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है 3150, 1350 ग्राम जो होता है मानव शरीर का भार, मानव मस्तिष्क का भार। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज इन एटम बम मैन्युफैक्चरिंग, परमाणु बम निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग होता है परमाणु बम निर्माण में। कमेंट में लिख के बताइए कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द ईयर इज, वाई का मुख्य संघटक है। ये एक सामान्य क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है नाइट्रोजन। तो वाई में सबसे अधिकता पाई जाती है नाइट्रोजन की। कमेंट में लिख के बताइए कि वाई में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट इज कंसर्न्ड, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है ध्वनि से, यानी साउंड से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। इसमें तरंगों का प्रसार होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। अगला क्वेश्चन है, मशरूम इज फाउंड इन अबंडेंसेस, मशरूम में बहुतायत में पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है मशरूम में। अगर हम मशरूम को कहें तो मशरूम एक कवक है और इसकी अधिकता
इसमें अधिक रूप में पाया जाता है प्रोटीन और ये काफ़ी हेल्दी फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है मीथेन। यानी प्राकृतिक गैस में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो है मीथेन CH4।